गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड वाट एवर आई एम टीचिंग यू आर गेटिंग वेल। सो इफ यू आर गेटिंग वेल, स्टडिंग वेल, सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, शेयर इट एंड मैक्सिमम सब्सक्राइब माई चैनल। एज यू नो दैट द किंग हु वेंट फॉर knowing answer of three questions to that hermit was engaged and did not reply. So it was evening and it was sun was about to set. So that hermit saw a man who was coming indicate, and so the king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा, दौड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ कर आते हुए देखा। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ पेट से दबे हुए थे, पेट पर वो अपने पेट को हाथ से दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें ब्लड बह रहा था। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुँचा, he fainted and fell to the ground। वह जैसे ही राजा के पास पहुँचा वह ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। और राजा और साधु मिल करके उसके क्लोदिंग माने पहने हुए कपड़े को हटाए, जहाँ पर एक गहरा घाव पेट में गहरे घाव को पाए। द किंग वॉश्ड, राजा उस घाव को धुले एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और अपने हैंडकरचीफ मतलब रुमाल से ढक दिए, उसे पट्टी कर दिए। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड दी उन अनटिल एट लास्ट दी ब्लीडिंग स्टॉप, और राजा तब तक उसकी मरहम पट्टी करते रहे जब तक ब्लड उसका बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी जो घायल आदमी था पहले से अच्छा महसूस किया और कुछ पीने के लिए रिक्वेस्ट किया। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ने ताज़ा पानी लिया एंड गिव इट टू हिम, और उसे दिए। By this time the sun had set, अब तक इस समय तक क्या हुआ था, सूर्य डूब चुका था। And the air was cool, और हवा पूर्ण रूप से ठंडी थी। The king with the hermit's help, राजा hermit की सहायता से carried the wounded man into the hut, उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले आए and laid him on the bed, और उसे बिस्तर पर लिटा दिए। The man closed his eyes, आदमी अपनी आँखों को बंद किया and lay quiet, और शांतपूर्वक लेट गया। The king tired by his walk and the work he had done, राजा अपने पैदल चलने से और काम करने से काफ़ी थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पर लेट गए एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, पूरी रात सोते रहे। व्हेन दी ही अवोक, जब वो जगे, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, बहुत मिनट पहले वह इस बात को याद कर सकते थे कि वेयर ही वाज आर हु स्टैंड बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, कि मतलब वह कहाँ थे या वह अद्भुत अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बेड पर लेटा था कौन था। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दें, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में वह दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दे। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब देखे कि राजा जग गए हैं तो उसे क्षमा याचना करने लगा। आई डोंट नो यू, राजा कहे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और क्षमा करने के लिए क्या है, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिव, सेड द किंग, राजा ने पूछा।
बस इतना ही। अभी आप इसको प्लीज़ प्रिपेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।